हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से पढ़ाई पर लग गए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर भैया आप जो है नए स्कूल में जाने वाले हो, ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नए स्कूल जाएंगे इस बार, हो सकता है 8th पास करने के बाद 9th में जाएंगे, 9th वाला भी हो सकता है, 10th वाला, तो चलो मिनिमम होती है, ठीक है, 11th वाला, 9th और 11th वाली। तो देखो 9th अगर अच्छा जाएगा तो आपका जाहिर सी बात है 10th बोर्ड में आप अच्छा करोगे, और 11th अच्छा रहेगा तो 12th में करोगे। कहीं ना कहीं इसका असर जो है हमारा कब पड़ता है, कब, वो पहले से डिसाइड हो जाता है, कब, जब हम स्कूल जो है चेंज करते रहते हैं, तब पूरे साल हमारा क्या होने वाला है वो स्टार्टिंग के जो 15 दिन है या बोल सकते पहला जो हफ्ता है वो डिसाइड कर देता है कि एक्चुअल में हमारी क्या सिचुएशन जो है पूरे साल भर या अगले 2 साल 3 साल या जब तक हम स्कूल पर रहने वाले तब तक होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ऐसा नहीं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, वो मेरे साथ खुद गुजरा है, बहुत से बच्चों से इस बारे में बात हुआ है, उसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कॉन्क्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि आप लोगों को ये गलती जो है नहीं दोहराना है। बहुत से बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, नए स्कूल में जाते तो हमें जिस चीज़ की तैयारी करना चाहिए वो छोड़ करके अदर देन पर तैयारी करने लग जाते हैं। जैसे कि हमें जो है तैयारी करना चाहिए भाई कि अरे ऐसा क्या करके जाए कि हमारा जो इम्प्रेशन है अच्छी बने रहे, मीन्स फर्स्ट इम्प्रेशन जो है लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा बोला जाता है ना। तो हमारा जो स्टार्टिंग का एक हफ्ता होता है ना, हम वही जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, जो भी हमारी परफॉर्मेंस उस एक हफ्ते की होती है, उसके हिसाब से हम टीचर के दिमाग पे छप जाते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं तो टीचर की नज़र में हम जो है अच्छे बच्चे रहते हैं, वो भी साल भर आगे आने वाले दिनों में भी पूरा। और देखो जरूरी नहीं कि हम टीचर के लिए अच्छा बने, अब देखो हम स्टार्टिंग में अगर पढ़ते हैं तो बहुत फायदा होती है भाई, इस बात को समझो आप लोग। अगर आप स्टार्टिंग में कर लोगे ना तो सोचो कितनी बड़ी फायदा होने वाले। जैसे कि किसी स्टोरी, मान के चलो किसी चीज का आपको आधा अधूरा ज्ञान पता है, ठीक है, मान के चलो कोई जगह के बारे में पता है, कोई और बता रहा है, थोड़ा बहुत सुने भी हल्का, फिर तब देखो उसमें कितना आप में इंटरेस्ट लगेगा उस बात पर। आपको अगर जोड़ना बता देंगे, कोई जोड़ना सिखा रहा है, मान के चलो मैं आसान बोल रहा हूँ, जोड़ना सिखा रहा है, तो आप नंबर्स को जानते रहोगे, थोड़ी बहुत उसके बारे में खुद से जानते रहोगे, तब उस चीज़ को करने में मजा आएगा, नहीं तो क्लास में सोते रहोगे, यही होता है, रियल बात है। तो देखो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से जो पढ़ाई होती है, ठीक है, स्टार्टिंग की जो पढ़ाई होती है हमारे पूरे बोल सकते हैं ये आगे पूरा ये हमारा हेल्प करता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाता है, ध्यान से सुना, कॉन्फिडेंट बढ़ाता है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो नए स्कूल में जाने से पहले एक चीज़ याद रखना, ठीक है, टिप्स दे रहा हूँ। फर्स्ट टिप्स की आप जो है पहली तो ये करें कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे ध्यान ना देकर कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा दिख रही हूँ, इन सब वो तो आपका दिख रहा हो भाई, अच्छे हो, सब अच्छे हो, कोई बुरे नहीं है, कोई ख़राब दिखते नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। देखो आपको फोकस उस पर ना करके, हम ज़्यादातर बच्चे वही करते हैं, अरे नए स्कूल में जा रहे हीरो बन के जाना है, थोड़ा स्टाइल मार के जाना है, ऐसी हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं किसी और चीज़ को छोड़ देते, क्योंकि हमारा फोकस जो है उस साइड है, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई की साइड कम होते। बट अब हीरो, रियल हीरो कब बन सकते हो, उससे यारी मारो, हीरोपंती करो, स्टाइल मारो, सब करो, लेकिन उससे पहले भाई रियल हीरोपंती कब होगी, जब कुछ पढ़ के जाओ, ठीक है, स्टार्ट कर लियो एटलीस्ट जो है चैप्टर 1 जो है ऑल सब्जेक्ट की बेसिक जो है कर लो। मेरे साथ मैंने बोला कि क्वेश्चन आंसर पूरा पढ़ लो अच्छे से, ऐसा नहीं, सिर्फ एक दो बार पढ़ के जाओ, पढ़ लिए रहो, ऐसी रीडिंग कर लिए रहो। और आजकल भाई इतनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, सोर्स आप कहीं से भी उस चीज़ों का देख सकते हैं, इतनी सारी यूट्यूब चैनल्स है ना, उसके माध्यम से आपको इसकी चैप्टर 1 की वीडियो मिल जाएगी। चैप्टर 1 आपकी कंप्लीट होती है तो सोचना यकीनन आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, और अगर आप चैप्टर 1 पे बेस्ट दोगे ना, जाहिर सी बात है चैप्टर 2 आपका बेस्ट बनेगा, और चैप्टर 2 बना मतलब आपका पूरा साल जो है तबाही होने वाला है, बहुत अच्छे से होने वाला है। इसलिए आप लोग ध्यान देना कि चैप्टर 1 हर एक सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आप लोगे नए स्कूल में जाने से पहले, इन चीज़ों को जरूर पढ़ लेना, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर आप किसी चीज़ से एक बार डर गए ना, ऐसा हुआ है बहुत से बच्चों के साथ, अगर किसी को मैथ्स डर गए, मान के जो मैथ्स नहीं आया क्लास में, जाते ही मैथ्स फर्स्ट डे टीचर पढ़ाया, वैसा तो नहीं है,
कि वो अचानक से जादू हो जाएगा, आपको सब कुछ आए जा रहा है समझ, है ना। हम बहुत से बच्चे अगर 8 तक तो पढ़ ही नहीं रहते, 9th में जाने वालों को स्पेशली है ये भी कि आप लोग कम से कम कुछ कुछ चीज़ें पढ़ के जाओ। आपकी कमी को आपको खुद पता है, आपको टेबल आती है 10 तक पहाड़ा आता है कि नहीं आपको खुद पता है, आपको इंग्लिश पढ़ना आता है कि नहीं आपको खुद पता है, आपको हिंदी पढ़ना आता है कि नहीं आपको खुद पता है। तो उन कमी को आप खुद दूर करना सीखो, यही रियल पढ़ाई होती है। तो कम से कम चैप्टर 1 जो है करके जाओ अच्छे से, ठीक है। और अब भाई स्कूल वही डिसाइड करना जो, जैसे नए स्कूल में जाओ तो जाने वाले हो तो स्कूल वही डिसाइड करना जो आपके पेरेंट्स जहाँ तक आपको पढ़ा सके, आपको आने जाने की सुविधा सही से मिल सके। ऐसा नहीं कि आपका आने जाने में दिन भर से लग जा रहा है, मान लो बहुत दूर है वो स्कूल, आपका आने जाने में पूरा दिन भर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बाकी रहेगा, आपकी पूरी बॉडी जो है थक जाएगा। तो इसलिए स्कूल का जो सिलेक्शन है वो सही से करना है आपको कि पढ़ाई हो अच्छे से, ठीक है, वैसे स्कूल में और लगभग आपके पास हो, इस टाइप से स्कूल में करना कि आपको आने जाने पे दिक्कत ना हो। ऐसे स्कूल मत करना, अरे मेरे दोस्त वहाँ जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँगा, मेरे दोस्त आर्ट ले रहे हैं तो मैं भी आर्ट लूँगा, इस टाइप से जो एक्टिविटी है बिल्कुल भी इस पर नहीं करना है, खासकर नए स्कूल में जा रहे, क्योंकि पुराने स्कूल में क्या होते हैं, टीचर जानते हैं कि आप किस लायक हो, किस टाइप से आपको समझाना है। नए स्कूल में जाते ही हमें वो टीचर एकदम से एग्जैक्ट नहीं समझ पाते, है ना। इसलिए आप पहले से तैयार रहिए और चीज़ों को अपने दिमाग को खोलने का ये सही तरीका है कि आप फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ के जाओ, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर करेंगे, और भी वीडियोस आएगी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो में।